ये विषय पर भी लोगों ने सुझाव दिया है, कई लोगों का सुझाव आया कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए, कई लोग सुझाव आया है कि लॉकडाउन समाप्त हो, लेकिन ये आपदा है, ये एक ऐसी परिस्थिति है कि हर मिनट इस में बदलाव होता है, ये विपत्ति कभी भी कोई विकराल रूप ले सकता है और कभी भी ये थोड़ी देर के लिए शांत हो सकता है या खत्म हो सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता, ये एक तूफान है। और आज आपने देखा कि हम लोग पहले बहुत थोड़े रिलैक्स मूड में थे, लेकिन यदा कदा कुछ हम लोगों को कोरोना के मरीज मिले और अचानक एक दिन बड़ी संख्या में हमें कोरोना का मरीज हमारे सामने आया, हम लोगों ने उनकी पहचान की। हम लगातार पहले से ये बात कह रहे हैं, झारखंड प्रदेश समस्याओं से अछूता नहीं रहेगा, जिस तरीके से ये चीज़ें देश दुनिया में फैल रही है, ये झारखंड की ही समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। लेकिन हम थोड़ा विलंब से इस समस्या के चपेट में आएंगे और वो समस्या हम चौतरफा से घिरे जाएंगे। आज इसलिए बहुत संयमता के साथ, बहुत योजनाबद्ध तरीके से, कई चुनौती हमारे सामने हैं अभी भी, उन चुनौतियों को लेते हुए हमें ये जंग जीतना है। देखिए, ये मरकज का जो विषय है, हम ये मरकज के विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, आज इस संक्रमण के विषय में जरूर टिप्पणी करेंगे। ये संक्रमण देश का नहीं, विदेश से आया है और विदेश से आने वाली चीज़ों का आकलन और उस पर चिंता और विषय, ये चिंता और मंथन सबसे अधिक पहले भारत सरकार को करनी होती है। वही रास्ते से आज देश में चीज़ें आई हैं, अब हम लोग भी आज देश के हिस्से हैं। अब कई निर्णय हमारे प्रधानमंत्री जी देश के लिए करते हैं, इस विषय पर उनका क्या निर्णय आता है, और हम तो यहाँ कोई भी मरीज पकड़ा रहा है, चिन्हित हो रहा है, चाहे वो देश का हो चाहे विदेश का हो, हमारे लिए मरीज नहीं, नहीं अभी उस ये तो अभी की जंग में हमारी तो इतनी स्थिति खराब होगी, जिसके लिए हमने प्रधानमंत्री जी से तो कहा है कि हमारा राज्य में, मेरे राज्य के लिए दूसरा कोई दरवाज़ा नहीं है, केंद्र का ही दरवाज़ा सीधा है, केंद्र हमें अधिक से अधिक मदद करे। मैंने पहले ही कहा कि चुनौती हमारे लिए अभी कम है, चुनौती अभी कुछ दिनों के बाद होगी, जब लॉकडाउन खुलेगा उस समय हमारी चुनौती बहुत बढ़ेगी और उसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाने के लिए विभागों को कह रखा है और अब इसकी तैयारी हम लोग किस तरीके से करेंगे, कहां कहां कैसे करेंगे, ये आपको समय अवधि पर बता दिया जाएगा, क्योंकि अब लॉकडाउन का उपयोग, लॉकडाउन खुलने का उपयोग क्या होगा, ट्रेन से आएंगे लोग कि प्लेन से आएंगे कि सड़क से आएंगे कि जहाज़ से, पानी के जहाज़ से आएंगे, क्या आएंगे, ये बहुत सारी चीज़ें, तुरंत चीज़ों को जैसे ही कोई बातें बदलती सामने आएगी उसके अनुरूप हम लोग अपनी चीज़ों को एक्ट करेंगे। आप लोग को इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, चीज़ें मोटा मोटी तौर पर हमें इस बात की आभास है ही नहीं पर पूरी उम्मीद है जब लॉकडाउन खुलेगा 7 लाख से अधिक लोग हमारे राज्य के अंदर प्रवेश करेंगे, जिनका हमारा दायित्व बनेगा कि उनको हर हाल में चिन्हित करके स्वास्थ्य सुविधा के घेरे पर रखें ताकि हम इस चीज़ को आगे ना बढ़ने दें। देखिए, इसमें होड़ नहीं लगा है कि ये राज आगे कर लिया तो बहादुरी कर लिया, ये राज आगे कर लिया तो ये बहादुरी कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये बात सभी राज्य अपने
स्थिति परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेती है। इसी तरीके से लॉकडाउन का पहले भी निर्णय धीरे धीरे सभी राज्यों ने लिया, हम लोगों ने भी 22 तारीख को लिया, फिर देश में प्रधानमंत्री जी ने 25 तारीख को निर्णय लिया। ये आपदा का समय एक जगह एक कॉमन निर्णय सबके लिए, हर निर्णय सही होगा ये उचित नहीं है। हमारा देखिए, अगर जो लोग छिपा रहे हैं तो निश्चित रूप से वो अपने मौत को दावत दे रहे हैं। आप फिर मैं हाथ जोड़ के निमरन प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मुहिम से जुड़े, आप लोग अपनी बातों को बताएं ताकि आपके लिए हम लोग आपको इस महामारी से बाहर निकालने का हम काम कर पाएंगे।